हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप होम्स जयपुर में। आज मैं आपको दिखाने लाई हूँ काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी जो कि रहेगी 3 BHK। और ये प्रॉपर्टी जो है वो हस्तिनापुर में है, जो कि 200 फीट रोड से कम 500 मीटर की दूरी पे ये लोकेशन रहेगी। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगी इसकी एलिवेशन। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है वो 160 गज में बनी हुई है और इसकी आस्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 1.70 CR में इसकी जो है प्राइस रहेगी। आप देख सकते हैं, एंटर करते ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका जो डोर है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा जो है वो डोर बनाया गया है। वुडन और मेटल का काम इसमें आपको दिखेगा। और ये जो डोर की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंसर वाला जो डोर है वो आपको मिलेगा वीडियो डोर फोन के साथ में। और ये रहेगा हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया देख सकते हैं आप दोस्तों, कितना ज़्यादा खूबसूरत ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आपको मीटर के लिए जो है वो जगह मिल जाएगी। ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको इस साइड देखने को मिलेगा, ये शूज़ वगैरह के लिए जो है वो रैक प्रोवाइड किया गया है। साथ में अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि वॉल पर आप देख सकेंगे यहाँ पे टेक्सचर वर्क जो है वो किया गया है। और साथ में डोर पर आप देख सकते हैं इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यहाँ पे लाइट्स का यूज़ किया गया है। तो अंदर चलिए, ये है हमारा ड्राइंग एरिया। ये हमारा ड्राइंग एरिया है। वॉल आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ग्लास और वुडन का वर्क दिखेगा, ये ग्लास और वुडन का वर्क किया गया है। ऊपर आप इसकी फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको प्रोफाइल लाइट्स का काफ़ी सुंदर वर्क दिखेगा। और साथ में वेंटिलेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, विंडोज़ वगैरह दी गई हैं जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। ये आपको फुली फर्निश्ड मिलेगा। मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कितना प्यारा वुडन का वर्क किया गया है। ये है अपना लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं 9 सीटर सोफा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और ड्राइंग एरिया से इसकी पार्टीशन के लिए यहाँ पे ग्लास की पार्टीशन दी गई है। आप देख पाएंगे ग्लास की पार्टीशन दे रखी है इन्होंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप वॉल पे देख सकते हैं वुडन के साथ में डेको पेंट का वर्क किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है जो कि। और इसकी दोस्तों आप एक बार फॉल सीलिंग देखिए, यहाँ पर आपको एक काफ़ी छोटा सा प्यारा सा झूमर देखने को मिलेगा जो कि दोनों साइड है। और साथ में ऊपर प्रोफाइल लाइट और वुडन का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। और ये रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में 6 सीटर डाइनिंग जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड है। और ये जो रहेगा यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये रहेगा हमारा LED पैनल जो कि काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड है। और ये है हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि हॉल से ही कनेक्टेड है। वॉशरूम के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका फर्स्ट बेडरूम। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में भी आप देख सकते हैं बेड के ऊपर जो है वो डेको पेंट का वर्क है। डेको पेंट और वुडन का वर्क आपको देखने को मिलेगा, जिसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ भी किया हुआ है। साइड में आपको वुडन और ग्लास का वर्क भी देखने को मिलेगा। और साइड में आप ये देख सकते हैं पार्टीशन, जो कि आपके शोपीस वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये रहेगा LED पैनल। LED पैनल के बाद में आप देखिए इसकी भी जो फॉल सीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। साथ में मैं आपको इसका ये दिखाना चाहूँगी ड्रेसिंग एरिया। ये पूरा जो है वो ड्रेसिंग एरिया रहेगा। और यहाँ पे वॉल माउंटेड आपको पूरा देखिए ऊपर सीलिंग तक आपको वो देखने को मिलेगा। ये रहेगा इसका कबर्ड। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इसका कबर्ड रहेगा। और ये है इसका
वॉशरूम, वॉशरूम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओरिएंट का जो है गीजर है वो प्रोवाइड किया गया है, ओरिएंट की फिटिंग की गई है और जो सारी जो फिटिंग्स वगैरह की गई है वाटर के लिए वो जगुआर की फिटिंग्स वगैरह की गई है। ये जो है अपना वॉशिंग एरिया रहेगा, रूम से कनेक्टेड वॉशिंग एरिया है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जाल लगाया गया है जिससे सनलाइट और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे वाटर सप्लाई 24/7 रहेगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रहेगा हमारा प्यारा सा बहुत ही एलिगेंट सा किचन, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे आपको ओवन और डबल सिंक भी प्रोवाइड किया गया है। डबल सिंक के साथ में यहाँ पे आपको ये डबल डोर फ्रिज भी दिया गया है जिसकी 10 इयर्स की वारंटी है और ये चिमनी वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको सामने विंडो दिखेगी और विंडो की खास बात ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी अगर एंटर करता है बाहर से आता जाता है तो सब आपको पता लगता रहेगा। कैबिनेट्स देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे डिश वॉशर भी आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर की ओर, इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे जो इसकी रेलिंग जो है इसमें आपको टफन ग्लास के साथ साथ में यहाँ पे मेटल और वुडन का काफ़ी प्यारा वर्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे फुट लाइट्स का यूज़ भी किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ऊपर जाते टाइम भी आप रास्ते में यहाँ पर देखेंगे कि ग्लास वुडन और यहाँ पे पेंट का वर्क काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये रहेगा हमारा हॉल। हॉल में आपको काफ़ी सुंदर ब्लू कलर का एक सोफ़ा दिया जाएगा और इसके साथ में आप इधर वॉल का डिज़ाइन देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। एसी के लिए फिटिंग्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। आप एक बार दोस्तों ऊपर देखिए, इसकी सीलिंग जो है इसकी फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है दोस्तों, नीचे वाले से डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा। वुडन का काफ़ी सुंदर यहाँ पे वर्क आपको देखने को मिलेगा और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे आपको, ये देखिए तो ये मंदिर के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपको स्पेस दिया गया है, तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये बेडरूम है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, मेरा खुद का फेवरेट बेडरूम है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर बेडरूम है। आप देखिए इसकी वाइब बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पे आपको वुडन का वर्क इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे आपको लाइट्स का, प्रोफाइल लाइट्स का काफ़ी सुंदर वर्क और ऊपर डेको पेंट का काफ़ी सुंदर वर्क आपको देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये है एलईडी पैनल के लिए जगह और यहाँ पर इसके अटैच आप वॉशरूम देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा वार्डरोब, यहाँ इसके ऊपर सनमाइका का वर्क किया हुआ है, वुडन के ये जो हैं डोर्स हैं और ये आपकी ड्रेसिंग टेबल रहेगी। यहाँ पर जो है हमारा बाथरूम एरिया रहेगा, यहाँ पर पार्टीशन अभी लगना बाकी है जो कि लग जाएगा कुछ टाइम में। गीजर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ओरिएंट की जो है वो फिटिंग दी गई है। इसका जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये रहेगा इसका सबसे खूबसूरत, इस रूम का सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा पार्ट ये है। ये है इसकी काफी बड़ी काफी स्पेशियस, आप देख सकते हैं इसकी बालकनी है, यहाँ पर आप अपने मनचाहे पौधे वगैरह जो भी हैं लगा सकते हैं और अपनी शाम की चाय भी आप यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा इसका व्यू रहेगा।
रेलिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टफन ग्लास का यूज़ किया गया है और वॉल पर यहाँ पे टेक्सचर वर्क किया हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सुंदर लाइट का वर्क किया हुआ है। उस साइड आप देख पाएंगे कि इसमें आपको वुडन और यहाँ पे आपको जाली का वर्क देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम दिखाने से पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा आपको स्टोर रूम प्रोवाइड किया गया है। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस स्टोर रूम प्रोवाइड किया गया है। स्टोर रूम के साइड में आपको देखने को मिलेगा ये थर्ड बेडरूम। ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में भी आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट वर्क किया गया है और काफ़ी सुंदर लाइट वर्क किया गया है। इसमें भी आप यहाँ पर ये देखिए डेको पेंट और साथ में टाइल का वर्क देखने को मिलेगा। ये रहेगा हमारा एलईडी पैनल और इस पे भी आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलेगा। ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी सुंदर ड्रेसिंग एरिया है। ये आपको वार्डरोब मिलेगी पूरा, आप देख सकते हैं पूरा जगह वार्डरोब ने कवर कर रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस देती है आपको स्टोर करने के लिए। ये इसका वॉशरूम रहेगा। मैं इसमें दिखाना चाहूंगी आपको यहां पर भी वॉशिंग के लिए जो है वो स्पेस दिया गया है। ये इसका वॉशिंग के लिए स्पेस रहेगा और वेंटिलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर की ओर। ऊपर रहेगा इसका टेरेस। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों यहाँ पे टेरेस से पहले ये काफ़ी सुंदर जो है शैंडेलियर दिया गया है जो कि टेरेस का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाता है। ये है टेरेस के लिए। यहाँ पे बीच में हॉल दे रखा है, हॉल के दोनों साइड में जो है वो टेरेस रहेगी जो कि ओपन है। और यहाँ से दोस्तों मैं एक बार आपको ये व्यू दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये दिख रहा है। ये शैंडेलियर से काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, ये रहेगा इसका रूफ टॉप पे छोटा सा गार्डन एरिया जहाँ पे आप आराम से शाम के टाइम यहाँ पे आप बैठकर चिल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सुंदर एरिया जो है ये रहेगा। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका दूसरा एरिया। टेरेस पे आपको थ्री डोर्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक जाली वाला रहेगा, एक ग्लास का और एक यहाँ पे आपको ये लोहे का गेट, आयरन का गेट जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है हमारा सेकंड साइड में टेरेस का एरिया है जहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए एक और जो है टेरेस मिलेगा। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर आप जो है टंकी वगैरह के लिए, वाटर वगैरह के लिए ऊपर आप फिटिंग वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और हमारे जो IVR वाले नंबर हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और विज़िट करें। थैंक यू।